हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू संजय ड्रिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइज, कल हम सीखे कि मॉडल का जो हेयर है, हेयर कैसे रियलिस्टिक तरह रिटचिंग करना एंड फेस कैसे स्मूथ करना, ठीक है, पूरे रियलिस्टिक तरह एंड कौन सा एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ फेस एंड हेयर कटिंग मतलब रिटचिंग करने के लिए। तो आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पर वीडियो लिंक मिल जाएगा, सिंपली देख लेना, ठीक है। आज आप लोगों को सिखाऊंगा एक एप्लीकेशन मदद से फेस कैसे व्हाइट करना है एंड बैकग्राउंड कैसे कलरिंग करना है पूरा रियलिस्टिक तरह, जैसे आप लोगों को कल दिखाया हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले लाइट रूम ऐप आप लोगों को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, सिंपल जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड इसी फोटो को मैं लाइट रूम के अंदर ले जाऊँगा, ठीक है। तो इस फोटो को इनपुट कर लिया हूँ लाइट रूम के अंदर, ये अनलॉक वर्सन है। आप लोग अनलॉक वर्सन डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल में जाकर सर्च कर लेना लाइट रूम मूड apk.com, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा एक क्रोप, मिल जाएगा क्रोप वगैरह कर सकते हो, कुछ भी चर्चा नहीं करूँगा मैं। सिंपली यहाँ पर फाइल मिल जाएगा, फाइल में जाकर यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर है, आप लोग चाहे तो यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा यहाँ पर, बेकार सा ये है। तो यहाँ पर सन वाली आइकन है, सन वाली आइकन पर क्लिक करूँगा। मतलब एक्सपोजर क्या होता है, जो आपका फोटो में ड्रैग होता है, मतलब आप ऐसे फोटो क्लिक किया हो कि धूप वगैरह नहीं था, ठीक है, तो ड्रैग में फोटो क्लिक किया हो तो ड्रैग होगा, तो एक्सपोजर बढ़ा दोगे तो लाइट हो जाएगा, ये आप लोग को पता है, ठीक है। एंड मोबाइल का फोटो कॉन्टेक्स्ट कम होता है, थोड़ा सा बढ़ा देना। हाईलाइट ज़्यादा है तो कम कर लेना सिंपली। एंड शैडोज़ है तो शैडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना, शैडोज़ बढ़ाना चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का फोटो अलग अलग होता है, तो आप लोग इधर उधर करके बैलेंस कर लेना। एंड जो आपका अच्छा लग रहा है तो उसे सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। एंड खूब ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सही हो चुके हैं, यहाँ पर बैलेंस भी ब्लॉक्स को भी थोड़ा सा कम करूँगा। एंड यहाँ पर कलर है, कलर में चले जाऊँगा सिंपली। एंड यहाँ पर टेम्परेचर मिल जाएगा आपको, तो टेम्परेचर क्या काम करता है, आप लोगों का बैकग्राउंड जो कलर करना है कैसे, आप लोगों को यहाँ पर टोन देना है सबसे पहले, ठीक है, तो अच्छे तरीके से तब आप लोगों का बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बोल देता हूँ, बैकग्राउंड आप लोग येलो करना चाहते हो तो बढ़ाना हमें, एंड ग्रीन करना चाहते हो तो माइनस की तरह करना, ठीक है। एंड कितना अमाउंट में आप लोगों को रखना है आप लोगों को दिखा देता हूँ, लगभग 8 या 10 के अंदर रखना, मतलब 10 के अंदर रखना, ठीक है। तो मैं सिंपली बढ़ा दिया हूँ क्योंकि बैकग्राउंड येलो करूँगा। एंड 10 को देखते हैं आप लोग, 10 को आप लोगों को 10 के अंदर रखना, माइनस की तरह करूँगा, ठीक है। एंड बढ़ाओगी तो आप लोगों को जो बैकग्राउंड है ग्रीन होगा, ठीक है, एंड कम करोगी तो येलो होगा। एंड वाइब्रेंस आप लोगों को हर फोटो में आप लोगों को डालना है लगभग 50 के अंदर, ठीक है। एंड ऊपर में मिक्स कलर चले जाऊँगा, मिक्स कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले जो मॉडल का जो फेस है व्हाइट करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर में क्लिक करूँगा, इसका सेचुरेशन माइनस की तरह करूँगा तो मॉडल का फेस ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। एंड लुमिनेंस बढ़ाऊंगा तो लाइट बढ़ेगा, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा येलो भी है, येलो में जाके सबसे पहले येलो का भी कम कर देता हूँ, ठीक है। हर फोटो में ये आप लोगों को करना ही है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं करोगी तो फेस के ऊपर कलर आ जाएगा आप लोगों को, ये ध्यान रखना, ठीक है। येलो का सेचुरेशन कम कर लेना एंड ऑरेंज का भी सेचुरेशन कम कर लेना, ठीक है। एंड लुमिनेंस आप लोग चाहे तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ भी करना है, आप लोगों का फेस में कलर नहीं होने वाला है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो फेस में कुछ भी कलर नहीं होने वाला है। तो ग्रीन में जाके मैं ग्रीन का जो ह्यू है चेंज कर दूंगा, येलो हो जाएगा, बढ़ाऊंगा तो स्काई थोड़ा सा कम करूंगा तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो येलो करूंगा, इसका सेचुरेशन भी बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। एंड येलो में जाकर भी थोड़ा सा ह्यू चेंज कर दूंगा माइनस की तरह करके, ठीक है। तो इसका जो ड्रेस का कलर है ब्लू है, तो ब्लू में जाके इसका ह्यू मतलब सेचुरेशन बढ़ा दूंगा, ह्यू आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपका मुताबिक से। तो मैं सिंपली लुमिनस को भी कम कर लूँगा, यहाँ से डन कर दूँगा सिंपली। ऊपर से एक भी टूल्स मिल जाएगा, यहाँ पर टोन दे सकते हो, ठीक है, हाईलाइट शैडोज, ठीक है, टोन डाल सकते हो जो आप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में, हाईलाइट में टोन डाल सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो NSB पिक्चर मतलब नीरज भाई मारते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा आपको, ब्लेंडिंग मूड भी मिल जाएगा, तो बैलेंस दे दिया हूँ, ब्लेंडिंग मूड आप लोग चेंज कर सकते हो माइनस की तरह कर लिया। एंड लुमिनेंस आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं थोड़ा सा कम कर लिया हूँ, ये सही हो चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे फिल्टर मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हो टोन, ठीक है। तो मिड पुटिन थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ये सही हो चुके हैं। एंड बैलेंस को भी थोड़ा सा कम बढ़ा देता हूँ, यहाँ से डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएगा, इफेक्ट में चले जाना, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा देना, लगभग 20 के अंदर रखना हर फोटो में, ठीक है। एंड टेक्स्चर को भी 20 या 10 रखना, ठीक है, तो मैं सिंपली 12 रखूँगा। एंड डैच को मतलब 10 के अंदर रखना, ठीक है, आप लोग चाहते हो स्क्रीनशॉट कर लेना, बिगनेट बहुत ही मैटर करता है फोटो के अंदर, ठीक है, तो बिगनेट आप लोग डाल सकते हो 30 या 50 के अंदर। मिड पुटिन आप लोग को 20 के अंदर रखना, मतलब माइनस की तरह करूँगा। एंड फेदर को भी 20 के अंदर रखना, एंड राउंडनेस को भी 20 के अंदर रखना, ठीक है। एंड यहाँ पर ग्राइन अमाउंट को बढ़ा देना ताकि फोटो का क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ पर और भी एक मिल जाएगा जो डिटेल्स मिल जाएगा, तो डिटेल्स में चले जाना। शार्पनिंग आप लोगों को बढ़ा देना लगभग 50 के अंदर,
60 के अंदर, ठीक है। नॉइज डिडक्शन को भी 60 के अंदर रखना एंड कलर नॉइज डिडक्शन को भी 60 के अंदर रखना एंड स्मूथनेस को भी 80 के आसपास रखना, ठीक है। मैं जैसे रखा हूँ आप लोग भी स्क्रीन शॉट कर सकते हो एंड आप लोग ऐसे देखकर एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सब करने के बाद आप लोगों का फोटो कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हो बहुत ही मस्त लग रहा है एंड मस्त टोन आ चुके हैं। एंड आप लोगों को चाहे तो आप लोग ये जो टूल्स यूज मतलब ये जो कलर यूज़ किया था मतलब टोन दिया था टोन आप लोग यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है, जैसे अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बेकार लगता है ये करने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फेस है, फेस को थोड़ा सा और भी व्हाइट कर लूँगा सिंपली एंड बढ़ा दूंगा लुमिनेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इसका होंठ है, होंठ का जो सेचुरेशन बढ़ा दूंगा, रेड हो जाएगा, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये सही हो चुके हैं, यहाँ पर डन कर दूंगा सिंपली। एंड आप लोगों को और भी एक टूल मिल जाएगा ऊपर में, सबसे पहले इस टूल पर जाऊंगा एंड प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये सर्कल लूंगा एंड नीचे की साइड से कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड खींचूंगा, ठीक है। एंड इसका एक्सपोजर मैं कम करूंगा सिंपली, एंड कम करने के बाद इसका शैडोज भी कम करूंगा एंड इफेक्ट में जाके इसका क्लैरिटी बढ़ा दूंगा, ठीक है। एंड दिखने में बहुत ही बेहतरीन लगेगा, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कैसे एडिट किया हूँ आप लोग देख सकते हो, बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा एंड इस ट्रिक्स आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना। एंड आप लोगों को एक्सपोर्ट कैसे करना मतलब सेव कैसे करना है, शेयर बटन में क्लिक करना, ऊपर की तरह ले जाना, एक्सपोर्ट ऐसे में क्लिक करना, यहाँ पर DNG मिलेगा तो आप लोग PNG मतलब JPG कर लेना, ठीक है। JPG करने के बाद ऊपर से राइट करोगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर से ये सेव कर लेना, ठीक है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना Part 3 चाहिए कि नहीं, कलर एडिटिंग का Part 3 चाहिए तो आप लोग जरूर से बताना, आप लोगों को सिखाऊंगा और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग कैसे बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, ठीक है, जरूर से कमेंट करना। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय।